नमस्कार। किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम। आज पूरे देश में किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी चक्का जाम दिन के 12 बजे से 3 बजे तक किया गया। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज 6 फरवरी को स्थानीय अंबेडकर चौक पर पूरे एक घंटे तक चक्का जाम किया गया। संयुक्त रूप से विभिन्न संगठन ने भाग लिया। भारत ज्ञात विज्ञात समिति CPI, राष्ट्रीय किसान मोर्चा तथा सेकुलर फ्रंट के लोग शामिल थे। किसान नेता श्री विश्वनाथ सिंह एवं ओम प्रकाश महतो के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। विश्वनाथ सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान तथा देश के लिए घातक है। ओम प्रकाश महतो ने कहा कि खेती को कुछ खास पूंजीपति घरानों में गिरवी रखा जा रहा है। CPI के जिला सचिव देवशंकर मिश्रा ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें बाजार में कीमतें बढ़ सकती है। धरणीधर प्रसाद ने तीनों कानून को काला कानून की सजा दी। इस अवसर पर भारत ज्ञात विज्ञात समिति के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम अंसारी, रामदेव विश्व बंधु, कामेश्वर यादव, सतीश कुंदन, सुरेंद्र वर्मा, सलीम अंसारी, सुशीला सोनी, विधाता कुमारी, राजेश वर्मा, रवि राजा, SS सैफी, उदय सिन्हा, रीतलाल वर्मा, रामेश्वर वर्मा, योगेंद्र गुप्ता, विनोद मारिक, रंजन विद्रोही, अमित यादव, नुंदेव रविदास आदि लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। करीब 200 लोगों ने इस चक्का जाम कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में अंबेडकर चौक पर धरना देकर आंदोलन में समर्थन में नारे लगाए। लेकिन ये आज ही नहीं, इसके पहले से भी जब से किसान आंदोलन चला है तब से हम लोग लगातार किसानों के लिए जा रहे हैं और आगे भी अभी हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और किसानों के हित में और किसानों के समर्थन में जारी रहेगा। कल संसद में जो बात बयान दिया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि इस कानून में काला क्या है। हम किसान लोग कह रहे हैं कि इस कानून में अच्छा क्या है, सब तो काला ही काला है। काला इसलिए है कि जो प्रावधान उन्होंने किया, उनका जो शब्द है, उस शब्द में ही वो कानून का सारा काला कारनामा दिखता है। उन्होंने कहा है सरलीकरण वाणिज्य और व्यापार का, कृषि उत्पाद का। क्या सरलीकरण, किसके लिए सरलीकरण? दूसरा जो वो कह रहे हैं कि जो मूल्य का आश्वासन क्या होता है, हम तो गारंटी की बात चाहते हैं, आप गारंटी कीजिए, वो आश्वासन कह रहे हैं। तीसरा चीज जो है, उन्होंने सबसे जो खतरनाक कदम उठाया है वो ये है, जो जैसा कि अभी हमारे साथी ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि असीमित भंडारण का, और ठीक है असीमित भंडारण का तो आप सरकार जी, आप ये जो यहाँ चक्का जाम कार्यक्रम है जो टावर चौक पर बैठ गए धरना पर, तो क्या आवागमन बाधित रहेगा भी क्या? नहीं, 3 घंटे तक तो रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मामला केवल खेत का और किसान का नहीं है, ये मामला पेट और इंसान का है। हम इसी बात को बताने के लिए ये अभियान किए हुए ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि अभी जितना भी प्रचार किया जा रहा है वो केवल किसान के विरोध में किया जा रहा है, किसानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और एक्चुअल में जो किसान आंदोलित हैं, क्यों आंदोलित हैं, केवल किसान अपने लिए आंदोलित नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ इस किसान बिल में खेत और पेट दोनों के विरोध में काली बातें हैं। इसलिए हम लोग ये 3 घंटे का आज जाम रखेंगे और कंटिन्यू जब तक दिल्ली का बॉर्डर पर आंदोलन चलेगा तब तक हम गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को किसान बिल के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में जागरूक करेंगे। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, हम झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 48 का अनुपालन करते हुए झारखंड में एक प्रभावी कृषि कानून उनको बनाना चाहिए और एक प्रस्ताव लाना चाहिए विधानसभा में, और उस प्रस्ताव के माध्यम से जो तीनों काला कानून है उसको खारिज करना चाहिए।